दशहरा, दीपावली, छठ सहित आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में समस्त पुलिस अधिकारियों, क्षेत्राधिकारियों, थाना प्रभारियों की बैठक रिजर्व पुलिस लाइन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक यातायात आदित्य प्रकाश वर्मा, पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा, एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे, महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह, आरआई उमेश कुमार दुबे सहित क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी तथा शाखा प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में एसएसपी ने कहा कि थाना पर बनाए जा रहे पुलिस मित्र की एलआईयू जांच करा लिया जाए। इसी के साथ एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने मुहर्रम पर्व की तरह आगामी त्योहारों को भी सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, आपकी नियम तक मेरे सामने थाने का रहे, बाकी तो सब रहने गए। आपकी तो कागज पत्र है आपके पास, वो भी गाइडलाइन में होगा तो कुछ डेट सबको देता हूँ। बोला अब ये अब तो नहीं होगा, इस बार डीजे को बजाने को लेकर के तो उसी तरह 2015 में प्रतिमा विसर्जन को लेकर के 2015 में यहाँ पर विसर्जन होगा। आपके पास है एस पी नॉर्थ के पास आ गए, अभी तक साउथ साहब देख रहे हैं तो उसमें बताते हैं ट्रेन पलट गई थी 2015 में भरत मिलाप के जुलूस में कर्तव्य दिखाते समय गले में राड घुस गया था और मर गया था बंदा। उसका ध्यान रखा गया, नई प्रतिमाएं न स्थापित करना अवरोध पर निगाह रखें, दूसरे संप्रदाय के निगाह रखें। रामलीला स्थल का तो कोई विवाद सामने आया नहीं अभी तक, परंपरा से हटकर आयोजन मत होने दें। विसर्जन के समय उचित गोताखोर वगैरह की व्यवस्था रखें। एस टेन संभ्रांत पुलिस का संभ्रांत मित्र जो हमने पुलिस मित्र कार्ड बनाया है, सभी थानों में बन गए होंगे और सीओ एलआईयू से उसकी जांच करवा लीजिए। टीआरओ ही कोऑर्डिनेट करेंगे पब्लिक रिलेशन। टीआरओ सेक्शन की जिम्मेदारी है पुलिस मित्र कार्ड का कितने बने हैं, कहाँ बने हैं, क्यों बने हैं और एलआईयू इसमें मदद करेंगे। फौरन 24 घंटे के अंदर लिस्ट लेकर के और अगले 24 घंटे में एलआईयू इसकी क्लीन चिट दे दें। पूरे जनपद के सभी एसएचओज और सभी एसओज और सभी गेस्टेड अफसर्स की मीटिंग रखी गई थी। ये जो आने वाला हमारा त्यौहार का सीज़न है, इस महीने पूरा दिवाली और दशहरा सभी कुछ पड़ रहा है, नवरात्रि है जो चल रही है, अष्टमी, नवमी, दसवीं, विसर्जन, साथ ही चहलुम का भी पर्व है। तो उस पर्व को दृष्टिगत रखते हुए जो सावधानियां बरती जानी हैं उनको बहुत अच्छे से थानेदारों को समझाया गया और नीचे तक लेवल तक उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसी को जोर देते हुए मीटिंग रखी गई। साथ ही साथ कुछ क्राइम के इश्यूज़ भी थे, सीसीटीएनएस के इश्यूज़, वर्किंग की जो कार्यशैली, संस्कृति और ग्राउंड लेवल पर एफिशिएंसी बढ़ाने की बातें भी हुई, जिससे कि हमें निसंदेह इसमें सुधार की गुंजाइश है और गोरखपुर पुलिस आगे से आगे सुधार रहेगी। और पिछले महीने की समीक्षा में जैसा कि आपको पता ही है, प्रदेश के 10 जो अच्छे जनपद हैं उसमें गोरखपुर रहा है और हमें उम्मीद है हम आगे बढ़ के इसको टॉप 3 टॉप 5 में भी इस जनपद को रखेंगे। पंडालों के लिए आयोजकों के साथ पूरी तरह बात करके 24 आवर कम से कम वहाँ मैनुअल निगरानी और जहाँ संभव है वहाँ CCTV लगा करके निगरानी की बात कही गई है और रूट लगातार चेक किए जा रहे हैं। ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जाएगा, सादी वर्दी में लोग लगाए गए हैं और पल पल की निगरानी की जा रही है और मूर्ति बनाने से लेकर विसर्जन तक के मूर्तियों पर हम निगरानी रखेंगे। और किसी भी तरह से जैसे कि आपने देखा मुहर्रम भी सकुशल पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ गोरखपुर में संपन्न हुआ, हमें उम्मीद है कि गोरखपुर पुलिस की जो टीम है वर्तमान में वो अगले त्योहारों को भी अच्छे तरह से निभाएगी।